हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आज की इस वीडियो में बात करेंगे, क्या आप लोगों की कॉल एंड टिप्स से छुटकारा पाना चाहते हैं? जी हाँ, लोग जो कॉल टिप्स देते हैं उसको अगर अवॉइड करके आप खुद से ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं ना, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। अगर आप परफेक्ट तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं और यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी जो हम बताने जा रहे हैं। इस चीज को करके आप यहाँ पर श्योरली पैसा बना सकते हैं। और दोस्तों, लोगों की कॉल जो टिप्स है वो जो लोग आपको दे रहे हैं उनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वो आपको यहाँ पर एक कॉल में प्रॉफिट करवाएंगे तो दूसरी कॉल में कहीं ना कहीं आपको लॉस करवा देंगे। तो लोगों के यहाँ पर कॉल टिप्स से दूर रहिए और आइए जो हम स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं वो स्ट्रेटजी क्या है। मार्केट की जो सिंपल स्ट्रेटजी है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि हमने हर एक वीडियो में बता रखा है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर वीडियोज में जो कि यहाँ पर दो चीजें की लेवल कैसे ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, जी हाँ, जो ट्रेंड लाइन और लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, ये दो चीजें हमने यहाँ पर बता रखी है। आप हमारे चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लेवल ड्रॉ कर रखे हैं, ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रखी है और यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो कौन सा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब आपको ये ट्रेड करना कैसे है, जी हाँ, यानी कि मार्केट में अब आपको पता दो ही चीजें होनी चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है। जी हाँ, मार्केट का ट्रेंड पता होना जरूरी है। और यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड पता चल जाए तो फिर आपको ये भी पता चल जाएगा कि ऑप्शन में कौन सा कॉल लेनी है और कौन सी पुट लेनी है, ठीक है? और तो ये चीज आपको ध्यान पड़ जाएगी। तो मैं आपको ऑप्शन चार्ट में भी जाके दिखाऊंगा कि कब कंफर्मेशन लेनी है। यहाँ पर ये जो 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, वहां पे कुछ और यूज कर रहे हैं, तो दोनों में सेम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं यूज करते हुए हम यहाँ पर चलेंगे परफेक्ट तरीके से आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी क्या सेटिंग्स है। यहाँ पर इस एक्सपोनेंशियल की सेटिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका खाली 20 को सेंस करना और कुछ भी सेंस नहीं करना, और आपको ओके पे कर लेना है। अब आपको यहाँ पर एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है? देखिए, फर्स्ट ट्रेड लाइन हम मार्केट ओपन होने से पहले तो हम कौन सी ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे, हम इस स्विंग से लेकर आएंगे और इस स्विंग पे एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करके रखेंगे। हमने क्या बोला कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, इसका रिटेस्ट करता है और इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आता है, तो यहाँ पर हम पुट साइड जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लेकर सपोर्ट लेकर अप साइड वापस मूवमेंट करता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड जाएंगे, ठीक है? ये दो कंडीशन है। इसके नीचे मार्केट आया नहीं है तो हम ये ट्रेड लाइन को अवॉइड करके नई ट्रेड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो नई ट्रेड लाइन हमारी कौन सी आएगी, तो एक यहाँ से हम इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की अपसाइड के लिए। देखिए, एक ये स्विंग, एक ये स्विंग और एक है यहाँ पर ये स्विंग, जो जैसे ही ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, हमारी यहाँ पर कॉल साइड की एंट्री होती है, ठीक है? मैं यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी की बात कर रहा हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। जी हाँ, टाइम फ्रेम ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर परफेक्ट तरीके से ट्रेड आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि। और यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड आप देखिए, अब आप ट्रेड पुट का ट्रेड कब लोगे ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। पुट का ट्रेड आप तब तक नहीं लोगे जब तक मार्केट प्रीवियस हायर, जो ये हायर हाई बनाते जा रहा है ना, ये प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक नहीं करता, इसके डाउन में ब्रेक नहीं देता ब्रेकआउट, तब तक आप कोई भी पुट की पोजिशन नहीं बनाओगे। और यहाँ पर एक और चीज है कि जब तक इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कोई भी कैंडल परफेक्ट तरीके से ब्रेकआउट नहीं देती है, तब भी कोई पुट की पोजिशन नहीं बनेगी। ये चीजें अगर ध्यान रख के चलोगे तो कभी लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि हमारी कॉल कहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी है, यहाँ पर 9:20 पे, और ऑप्शन में चल के देखते हैं कि हमारी कॉल कहाँ पे बनी। ऑप्शन में देखे तो एक प्रीमियम हमारा है निफ्टी फिफ्टी के 22,200 की कॉल है। यहाँ पर एक ट्रेड लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये देखिए, यहाँ से एक ट्रेड लाइन को लेकर आता है तो हमारी कॉल कहाँ पे बनती है, यहाँ पर एक ट्रेड लाइन को लेकर आते हैं तो 9:20 वाली कैंडल में हमारी एंट्री बनती है। 9:20 वाली कैंडल में अगर हम एंट्री नहीं लेते हैं और यहाँ पर 9:25 वाली में लेते हैं तो हमें परफेक्ट एंट्री मिलती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की। अब यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो 12 का है और कोई नहीं है। देखिए, ये 12 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करना है। देखिए, ऑप्शन में 12 का करना है और फ्यूचर में आपको 20 का करना है, ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपने एंट्री ली और आपका टारगेट सीधा 200, यानी कि यहाँ पर आपने 60 पर एंट्री ली, 60-65 पर एंट्री ली और आपकी कॉल 200 तक गई है, तो कहीं ना कहीं आपको 140 पॉइंट का नॉर्मली प्रॉफिट हुआ है। और ये प्रॉफिट कोई छोटा नहीं है, ठीक है? ये प्रॉफिट बड़ा है और ऐसे प्रॉफिट आपको नहीं मिलने वाले दोस्तों। नॉर्मली अगर आप किसी की कॉल टिप्स भी लेते हैं तो आप वाकई वहां पर कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं किसकी कॉल लूं। और यहाँ पर अगर आप कॉल ले भी लेते हैं तो वो यहाँ पर आपको छोटे छोटे टारगेट देगा कि यहाँ तक जाएगा। अगर वो ये बोलेगा कि यहाँ पर हमने आपको 75 का 65 पे लिया आपने और 75 का टारगेट दिया था, हमारा फर्स्ट टारगेट डन हो गया। अब अगर कभी कभार क्या होता है कि अगर फर्स्ट टारगेट जाके कॉल वापस डाउन आ जाती है तो वो तो ये बोल देते हैं ना कि हमारा टारगेट डन हो चुका है। अब हम क्या करें, करें तो भी यहाँ पर हम क्या करें, हमें लॉस बुक करना पड़ता है ना।
वो बोलेंगे कि हमने तो आपको बोल दिया था, अब आपने अगर प्रॉफिट बुक नहीं किया तो वो आपकी गलती है। अब देखिए यहाँ पर जब कॉल बनी तो यहाँ पर आपको कोई कॉल बनते हुए दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है ना। क्यों? ये कॉल कब बनी थी आपको पता है? ये कॉल बनी थी कल वाली, कल वाली कॉल में भी कितना प्रॉफिट हुआ था आपको पता है? देखिए ये चीजें अगर आप सोच समझ कर चलोगे और करोगे ना तब आपको प्रॉफिट होगा। ये देखिए ये कॉल 417 पे बनी और कॉल गई है 467, यानी कि यहाँ पर भी आपको यहाँ पर कॉल ने कितना प्रॉफिट दिया? 40 पॉइंट का प्रॉफिट दिया। अरे 40 पॉइंट कोई कम नहीं है, ये निफ्टी 50 है भैया, ये बैंक निफ्टी नहीं है। बैंक निफ्टी में यहाँ पर 15 पॉइंट मिलते हैं, यहाँ पर आप सोच के चलिए कि 50 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है? एक एक पॉइंट का 50 रुपए मिलते हैं, वहां पर 15 रुपए मिलते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये आपके लिए बेहतर है कि निफ्टी 50 आपको परफेक्ट एंट्री देता है। अभी यहाँ पर अगर देखें तो वापस निफ्टी 50 में पुट की पोजीशन अभी तक कोई बनी ही नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पर बनेगी तब देखा जाएगा, और अभी तक बनी नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों अब मार्केट यहाँ पर जब ट्रेंड रिवर्स होगा तब हमें पता चलेगा कि मार्केट में अभी देखिए अभी एंट्री अगर ट्रेड लाइन के हिसाब से बनी ना, ये कहाँ पे बन सकती है? यहाँ कहीं पे बन सकती है। देखिए ये स्विंग लेंगे, ये स्विंग लेंगे, और इस स्विंग के नीचे डाउन आया तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशन हमारी हो रही है। एक तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ तक चला जाएगा और ये इसके नीचे परफेक्ट ब्रेकआउट आ जाएगी कैंडल, फिर यहाँ पर हमारी ट्रेड लाइन भी परफेक्ट यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाएगी। इसके बाद में मार्केट कहाँ तक आ सकता है? फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक है? फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट यहाँ पर हमारा ये रहेगा, ठीक है? अगर इसके नीचे नहीं आया और इसका यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर सपोर्ट लेकर वापस यहाँ पर मार्केट ऊपर चला जाए तो यहाँ पर अलग बात है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर आपको बताया कि किसी के कॉल टिप्स पर आधार मत रहिए, किसी के कॉल टिप्स पर यहाँ पर निर्भर मत रहिए। मार्केट जब भी यहाँ पर आपको प्रॉफिट देगा वो यहाँ पर बिग प्रॉफिट देगा। आप मार्केट में है ना एक ऐसी लत मत पालिए कि यहाँ पर आपको ट्रेड करना ही करना है। अगर परफेक्ट ट्रेड बन रहा है तो करिए, क्योंकि मार्केट पूरे एक दिन में एक परफेक्ट ट्रेड दे ही देता है। हम यहाँ पर मॉर्निंग होते ही यहाँ पर 9 बजते ही यहाँ पर ये सोचने लग जाते हैं कि कौन सा ट्रेड लो कौन सा ट्रेड, और जैसे ही 9:15 होते हैं मार्केट ओपन होता है तो हम एंट्री ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब जब तक आपका सिग्नल नहीं बोल रहा है तब तक आपको कोई एंट्री नहीं लेनी है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा था कि यहाँ पर इस चीज को अगर आपने कर लिया ना तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे और लोगों की कॉल टिप्स से हमेशा दूर रहोगे, और यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। जी हाँ, कॉल टिप से आप यहाँ पर दूर रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।